नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाइक झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूँ मैं यहाँ पर सरकारी विद्यालयों के लेटेस्ट अपडेट को लेकर के। तो बताते चले, यहाँ पर झारखंड में एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। शीतलहरी को देखते हुए झारखंड के सरकारी विद्यालय को किया गया है बंद। तो क्या कुछ सच्चाई है, हकीकत है, चलिए हम देखते हैं इस पत्र को जिसमें निकल के आ रहा है कि झारखंड के सरकारी विद्यालय को एक बार फिर से किया गया है बंद। अभी अभी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की तरफ से झारखंड के सरकारी विद्यालयों के लिए एक पत्र निर्गत कर दिया गया है। पत्र में यहां पर आपको बताया गया है कि जनवरी 2023 के प्रथम सप्ताह में शीतलहरी के प्रकोप दृष्टिगत रखते हुए झारखंड राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में वर्ग 1 से 5 तक का शैक्षणिक कार्य दिनांक 8/1/2023 तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 9/1/2023 से सामान्य रूप से कक्षा संचालित होगी। इस अवधि में शिक्षक विद्यालय में उपस्थित होकर सभी अभिलेख अद्यतन करेंगे एवं ऑनलाइन डाटा एंट्री करेंगे। गरीब बच्चों के खाद्य सुरक्षा के आलोक में कक्षा 1 से 5 के उपस्थित बच्चों को इस अवधि में मध्याह्न भोजन यथावत उपलब्ध कराया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। के रवि कुमार, सरकार के सचिव की तरफ से आज दिनांक 3/1/2023 को यह पत्र जारी कर दिया गया है। तो 1 से 5 तक के विद्यालय यहां पर बंद कर दिए गए हैं, 6 से 8 के विद्यालय खुले हुए रहेंगे। 1 से 5 के बच्चों को मध्याह्न भोजन यथावत उपलब्ध कराए जाने का आदेश दिया गया है। तो झारखंड में इस तरह से एक बार फिर से सरकारी विद्यालय 1 से 5 तक शीतलहरी के प्रकोप को देखते हुए बंद किया गया है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।